देख गगन, मेरे दिमाग में क्या चलता रहता है आजकल? क्या चलता रहता है? ईवी लूँ, पेट्रोल डीजल लूँ, ईवी लूँ, पेट्रोल डीजल लूँ, ईवी पेट्रोल डीजल, ईवी पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल ही ले लेता हूँ। मेरी चाबी छोड़ दे, मैं तेरा कंफ्यूजन ऐसे ही दूर भाई। तू करी तो मेरा कंफ्यूजन दूर, तुझे क्या लग रहा है मैं अजमेर से यहाँ पर तेरे से मिलने आया हूँ? मैं आया हूँ अपना कंफ्यूजन दूर करने। ये भी ठीक है, चल आज तेरा कंफ्यूजन दूर करता हूँ। तेरे को बेसिकली गाड़ी लेनी है और तुम्हें ईवी लेनी या नहीं लेनी, ये डाउट है। यही तो है, यही तो बोल रहा हूँ। ये भी है कि यार ईवी थोड़ा ना नया कॉन्सेप्ट है, तो दो चार साल रुक के भी अगर ले तो थोड़ा ठीक रहेगा। हाँ, वो भी डाउट ही हो गया एक तरीके का। हाँ मतलब वही, मैंने ईवी के बेनिफिट्स सुने हैं लेकिन नेगेटिव्स भी बहुत है यार मार्केट में। तो यूँ लगता है कि यार अपन रह गए बिजनेस वाले, तो भाई पानी पीना उस नहीं अपन रह गए बिजनेस वाले, तो यूँ लगता है कि यार ले नहीं ले क्या करे, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन। और मार्केट में जिस चीज़ का नाम खराब हो, तेरे को पता है अपन वैसे भी हाथ नहीं डालते उधर। मतलब नाम खराब है मोस्टली ना, वो इनिशियली जो टू व्हीलर फोर व्हीलर आए थे ना उनकी वजह से। अच्छा, तुझे गाड़ी में ही चलता हूँ, समझाता हूँ कुछ वैसा तो नहीं करने वाला ना फिल्मों में जैसे गाड़ी दौड़ा के करते हैं, वैसे तो कन्विंस नहीं करेगा ना मेरे को। ये वाला दौड़ा के नहीं होगा, ये वाला थोड़ा तसल्ली वाला काम है। दरवाजा खोलू है? नहीं 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 नहीं, ये खड़े खड़े ही करना है आज। पैसेंजर सीट पे बैठ के जॉय राइड करवाऊंगा देखो। गाड़ी तो यार गजब है एकदम, फुल मॉडर्न फीचर्स और लोडेड बिल्कुल। हाँ हाँ, अरे मस्त चीज़ है। बट मैं तेरे को फीचर दिखाने के लिए अंदर नहीं लेके आया हूँ, वो तो मेरी मेन वीडियो देख लेना अगर नहीं देखी है तो। मैं तुझे एक वीडियो सीरीज दिखाने के लिए आया हूँ जो मैंने तो अभी पब्लिश नहीं की है अभी तक, मतलब लोगों को नहीं देखा, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। मिथ्स एंड फैक्ट्स ऑफ ईवीज, ये तूने बनाई है? ये मैंने बनाई, मैं ही हूँ इसमें। बट वीडियो देखना प्रॉपरली, ऐसे बीच में टोकना मत, ठीक है? चलो नमस्ते जी, इस वीडियो में जो है ईवीज से जुड़े हुए सबसे बड़े कंसर्न की बात करेंगे, जो है रेंज। देखो कंसर्न इशू कुछ भी कह लो इसको, मैंने 1,00,000 किलोमीटर के लगभग, मतलब ऑलमोस्ट शायद 1,00,000 हुए नहीं होंगे, बट उतना मैंने ईवीज का अनुभव कर लिया, इतनी चला ली है मैंने। तो उसके बाद में जो है मेरे को ये चीज़ बखूबी समझ में आती है जब सवाल पूछा जाता है कि रेंज से रिलेटेड क्या चीज़ें। आज से 3-4 साल पहले शायद मैं ये बात जो है उतने दमखम के साथ मैं नहीं बोल सकता जितना आज बोल सकता हूँ। अगर आप पहले कोई कार चला रहे हो या चला चुके हो पेट्रोल डीजल वाली, तो आपको एक फ्रीडम की आदत हो गई है कि मैं जब मेरी मर्जी करी तब मैंने जो है गाड़ी स्टार्ट करी और मैं निकल गया। मतलब लद्दाख उदाख के एक दो जगह छोड़ दो आप, या कहीं जैसलमेर के भी कुछ एरियाज छोड़ दो, वहाँ पे जो है हर कुछ किलोमीटर में आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, डीजल पेट्रोल व्हाटएवर पंप जो है वो नहीं मिलेगा। बट उसके अलावा इस देश के किसी भी कोने पे चल जाओ, आपको पेट्रोल डीजल हर कुछ किलोमीटर पे मिल ही जाएगा। कभी भी नहीं हुआ होगा कि आप प्लान करके चले होंगे, ओके मैं यहाँ पे जो है पेट्रोल या डीजल भरवाऊंगा और उसके बाद में जो है वहाँ भरवाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। बट दिस इज़ नॉट द केस विथ इलेक्ट्रिक व्हीकल। हालांकि ये अलग बात है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर है वो जब घर से निकलेगा तो हमेशा 100% चार्ज पे निकलेगा, तो उस हिसाब से तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली मुझे एक बात याद आती है कि मैंने मतलब लास्ट 1-1.5-2 सालों में ये सीन मेजरली चेंज हुआ है, बिकॉज 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं ये बात कर रहा था कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में जो लग्जरी व्हीकल्स है वो एक तरीके की जिद पे अड़े हैं कि उनको 400 किलोमीटर की रियल लाइफ रेंज निकालनी है। वेल इज मास मार्केट वाले जो है वो ऑलमोस्ट 200-250-300 किलोमीटर के आसपास ही जो है रेंज पे फोकस कर रहे हैं, बट दोनों साइड में फीचर्स वगैरह पे फोकस जो है वो किया जा रहा है। तो वो जो गैप था बीच में 250 किलोमीटर वाला और वहाँ पे लग्जरी वालों की जिद जो है 400 वाली थी, एक तो उस गैप को ब्रिज करना मतलब उसको भरना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी था, और जो 200-250 वाला पार्ट है वहाँ पे कई लोगों को जेन्युइनली कभी कभार रेंज का कंसर्न आ जाता था जब उनको थोड़ा सा बाहर स्टेप आउट करना पड़ रहा था उस टाइम पे 1-1.5 साल पहले। अब सिचुएशन थोड़ी बदल गई है। महिंद्रा की इन बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही एग्जांपल आप ले लीजिए, वो लोग जिन लोगों को मतलब ये दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ में आती है, तो वो लोग जिनको 90% ऑफ द टाइम सिटी में चलना है या सिटी के आस मतलब बाहर अगर वो जाते हैं तो मैक्सिमम लेट्स से 150-170 किलोमीटर जाते हैं, उन लोगों के लिए भी छोटा 59 kWh वाला बैटरी पैक जो है वो काफ़ी है, बिकॉज उसकी प्रैक्टिकल रेंज रियल वर्ल्ड में जो है 370-390 आती है। और ये मैं कंपनी के क्लेम फिगर्स नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे टेस्टेड फिगर्स में बता रहा हूँ। और अगर आप उन लोगों में से हो जिनको हाईवेज पे जाने का काम होता है या फिर आप रहते सिटी में हो बट जब भी मन किया कि चलो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ट्रिप पे निकल जाया जाए, उन लोगों के लिए 79 kWh वाला बैटरी पैक जो है वो सफिशेंट होगा।
480 किलोमीटर की रेंज मैंने निकाली थी उसकी, जब मैंने रेंज टेस्ट किया था उसका वीडियो जो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे लाइव है, तो काफ़ी अच्छी रेंज जो है वो मेरे ख्याल से आती है। सो मोस्ट ऑफ द लोग, मतलब मुझे आप बताओ कोई ऐसा बंदा है जो 400 किलोमीटर से ज़्यादा जो है एक गो में करता है? मोस्टली हम लोग ब्रेक लेते हैं, और अगर आप वो ब्रेक जो है एक चार्जर पर प्लान कर लो तो आपकी रेंज जो है वो और ज़्यादा हो जा सकती है। तो अनलेस आप उन लोगों में से हो जिनके घर पर चार्जर नहीं है, या उन लोगों में से हो जो कश्मीर से कन्याकुमारी ही नापने का शौक़ रखते हो सीधा सीधा, तो बात अलग है। मुझे नहीं लगता उसके अलावा जो है रेंज कोई बहुत बड़ा इशू जो है वो अब रह गया है, स्पेशली ये जो अच्छे बैटरी पैक वाले व्हीकल्स आए हैं उनके साथ में। ये चार वीडियोस में से पहली वीडियो तो ये थी मेरी। अच्छा बैटरी पैक क्या होता है? अच्छा बैटरी पैक मतलब जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ बेसिकली साइज रेफर कर रहा हूँ कि 50-60 किलो वाट आर की कम से कम बैटरी साइज हो ना। वैसे वो तो मैं समझ गया रेंज तो, बट अच्छा मतलब अच्छा कैसे कैसे करेंगे रिलाय, इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी कौन सा बढ़िया? वैसे एक्चुअली तीसरी वीडियो उसी के बारे में, बट चल मैं तेरे को पहले वो दिखाता हूँ, दूसरी दिखाने से पहले। रिलायबिलिटी एक ऐसा कंसर्न है मेरे ख्याल से जो कि थोड़ा जायज है बोथ व्हीकल और चार्जर जो है उनके टर्म्स में। देखो पेट्रोल डीजल गाड़ियों का क्या है ना, 100 साल से इवोल्यूशन होते हुए आ रही है और आज वहाँ बैठी है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं है। अगर आप इनिशियल टू व्हीलर्स वाले पार्ट को छोड़ दो, जो इनिशियल लो क्वालिटी टू व्हीलर्स आए थे इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनको छोड़ दो, तो मोस्टली जो ईवीज के इश्यूज हैं वो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड ही रहे हैं। और जो व्हीकल्स 2020 के बाद डिज़ाइन किए गए हैं, जो नए टेक्नोलॉजी के व्हीकल हैं, उनको वो सारे सॉफ्टवेयर या थोड़े बहुत जो भी हार्डवेयर इश्यूज हैं उनको दिमाग में रख के ही डिज़ाइन किया गया है, तो अब उनमें जो है वो रिलायबिलिटी इश्यूज वगैरह जो है बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। महिंद्रा की इन बीवीज का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसे मेरे जैसे कई लोग हैं जो कि इन गाड़ियों को चलाते हैं, और मैं ओवरऑल उनका कलेक्टिव फीडबैक जो है वो दिमाग में लेके ये बात बोलता हूँ, ये बात सोचता हूँ कि देर इज़ हार्डली एनी क्रिटिकल इशू जो हमें इन व्हीकल्स के साथ में देखने को मिला है। गाड़ी जो है कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बैटरी एरर या ऐसा कुछ आया हो, या कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्टार्ट नहीं हुई हो, अब्रप्टली रेंज ड्रॉप हुई हो, या कोई ड्राइव से न्यूट्रल में नहीं जाना, या ऐसे एकदम फनी इशूज जो हैं वो नहीं हुए। हाँ कुछ चीज़ें जो है मैंने भी फेस करी है, जैसे कि इसमें जब आप स्टीयरिंग बटन दबा रहे हो तो कभी कभी हॉर्न दब जाता है, म्यूज़िक सिस्टम की वॉल्यूम जो है वो अप डाउन होने का, बट ये वो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं जो कि प्रॉबेबली ओवर द एयर या नेक्स्ट सर्विस में जब जाके रिपोर्ट करूँगा तो ये सॉर्ट हो जाएंगे, ये क्लियर हो जाएंगे। दीज आर नॉट क्रिटिकल इशूज़ जिनकी वजह से गाड़ी जो है वो बंद पड़ जाए या वैसे वाले रिलायबिलिटी वाला चक्कर आ जाए। एक्चुअली एक बड़ा कंसर्न जो है वो रिलायबिलिटी का गाड़ियों से रिलेटेड नहीं, चार्जर से रिलेटेड है। देखो गाड़ियां तो महिंद्रा की ये वाली गाड़ियां भी बहुत बढ़िया, और हाल फिलहाल कुछ और कंपनी ने भी गाड़ियां लॉन्च करी जो कि काफ़ी रिलायबल रही हैं अब तक, लेकिन जो चार्जर्स लगे हुए हैं पब्लिक में उनकी रिलायबिलिटी जो है कभी कभार आज भी क्वेश्चन में आ जाती है। इसका एक बड़ा यूनिक सॉल्यूशन जो है वो निकल के आया है, और वो सॉल्यूशन जो है कन्वीनियंस के साथ साथ में ये श्योर करता है कि आपको जो चार्जर दिख रहा है वो चालू है या नहीं, और सही चार्जर ही जो दिखे। तो मैं भी अब तक जो है अपने उन चार्जर्स पर रिलाई करता था जो मुझे लगता था कि चलो यहाँ 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 रिलायबल है, बट देन फिर अब मैंने अपने अपनी ऐप्स वगैरह निकाल लिया। इस XEV के साथ में आपको जो है ये जो नेविगेशन एलिमेंट आता है उसको अगर जूम आउट करोगे तो देखो दुनिया भर के चार्जर जो हैं लिस्टेड हैं। इनफैक्ट अगर आप नेविगेशन नहीं भी खोल रहे हो या गाड़ी के पास नहीं भी हो, अपनी सिंपली मी फॉर यू ऐप खोलो, वहाँ पे नेविगेशन में अगर आप जाओ और उसमें डाल दो कि भैया मुझे चाहिए, कहाँ पे यहाँ पे आता है ऑप्शन मुझे चाहिए चार्जर्स, और अगर आप इसमें चल जाओ तो सारे चार्जर दिखा रहा है कहाँ पे क्या किसकी क्या रेटिंग है, कितना दूर है, क्या टाइप का जो है उसका खर्चा है, और वहाँ पे जाने के बाद में अवेलेबल है या स्लॉट नहीं है वो भी आप देख सकते हो, और अगर आप वहाँ पे पहुँच गए हो उसके बाद में कौन सी गन से क्विक चार्ज करना है, एस्टिमेटन चार्ज करना है, हर चीज़ जो है आप यहीं से कर सकते हो, उसको चार्ज चालू करके चार्ज कर सकते हो। तो ये एक जो है डेफिनेटली सॉल्यूशन यहाँ पे निकल के आया है जो कि थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी भी बनाता है और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है उसको स्मूथ करता है। ये ऐप वाला पता था मुझे, इसलिए चार्जर ढूंढने में तो मुझे कभी कोई दिक्कत हुई नहीं। अच्छा जी अब दूसरी दिखाता हूँ। रीसेल ये एक ऐसी चीज़ है भाई साहब भारत के मार्केट में जो कि मुझे लगता है शायद यूनिक भी हो सकती है इंडियन मार्केट में, मतलब कुछ और मार्केट्स में भी है, कि अगर किसी गाड़ी की रीसेल वैल्यू बढ़िया नहीं है मार्केट में, खबर फैल गई है, तो उसकी नई व्हीकल जो है वो भी नहीं बिकती है, मतलब उसकी न्यू व्हीकल की सेल पे भी इफेक्ट पड़ता है, बाद में बेचो तो चलो तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये एक जो चीज़ है इस वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो भी प्रॉब्लम फेस करती है। आप कोई भी 5-7 साल पुरानी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आज मार्केट में निकल जाओ, सेम टाइम की आप पेट्रोल डीजल व्हीकल लेके निकल जाओ, सिमिलर रनिंग करी हुई, सिमिलर तरीके से चलाई हुई, आपको डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसकी रीसेल वैल्यू कम मिलेगी। बट ये सिचुएशन थी
अब नहीं है, उसका रीज़न बताता हूँ। रीज़न प्योरली इलेक्ट्रिक नहीं है, इसका रीज़न जो है वो बेकार टेक्नोलॉजी या पुरानी टेक्नोलॉजी वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जिनमें रिलायबिलिटी इश्यूज़ रहे हैं। अगर आप आज देखोगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपीरियंस ब्रांड वगैरह को ओवर द टाइम हो गया है, तो उनको रियलाइज़ हुआ कौन सी बैटरी टेक्नोलॉजी, कौन सी मोटर्स वगैरह जो है, किस टाइप की ईवीज़ या कौन सी चीज़ जो है यूज़ करने से यहाँ पे बेहतर रिलायबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेगी, वो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हो चुका है। तो वो बेटर टेक्नोलॉजी, फिर उसकी वजह से लाइफ टाइम वारंटीज़ जो बैटरी पे ऑफर की जा रही है, जो कि एक मेजर कॉस्ट है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का, उन सब की वजह से जो है ओवरऑल रीसेल वैल्यू जो है वो स्टेबल होके ऊपर की तरफ जा रही है। वाइल एज इंटरेस्टिंगली चेंजिंग फ्यूल टाइप और इमिशन नॉर्म्स की वजह से डीजल और पेट्रोल व्हीकल जो है उनकी रीसेल कम होती जा रही है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन जो है यहाँ पे होता जा रहा है, जो कि पता नहीं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फेवर में प्ले कर रहा है। तो ये तीसरी वीडियो, हाँ ये बात यार मेरे भी मन में थी रीसेल वाली। हाँ वैसे मोस्टली ना लोगों को ये दो तीन चीजें जो अब तक हमने बात करी यही होती है, उनके दिमाग में यही डाउट्स होते हैं ईवी से रिलेटेड। फोर्थ वीडियो में क्या है भाई? फोर्थ वीडियो स्पेशल है। वीडियो का ये वाला पार्ट एक्चुअली जो है कोई मिस बस्ट ही नहीं करता है। ये वाला पार्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि मोस्टली आपको किसी न किसी फॉर्म में पता होगी। ईवीज जो है उन पे 5% जीएसटी लगता है, जबकि पेट्रोल डीजल गाड़ियां जो है उस पे या तो 18% या 40% जीएसटी लगता है, डिपेंडिंग क्या साइज़ क्या इंजन वगैरह है। बट अगर आप किसी सेम साइज़ की ऑलमोस्ट सिमिलर जो है कहते ना कि सेगमेंट की गाड़ी को ईवी सेगमेंट और आइस पेट्रोल डीजल में कंपेयर करोगे, तो भी ईवी महंगी क्यों होती है जब जीएसटी उस पे कम लगता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है एक्चुअली। इसका रीज़न जो है वो सिंपली ये है कि ईवीज़ जो है वो ज़्यादा लोडेड होती है, आमतौर पे उनमें ज़्यादा फीचर्स वगैरह जो है वो ऑफर किए जाते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ इसलिए भी है क्योंकि आपको कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं मिलेगी जो कि इन जनरल थोड़ी सी कम लोडेड हो या उनको जो है कमतर बनाया गया, उनमें फीचर ठूसे ही होते हैं भाई। क्या नहीं देखा है आपने ईवीज़ के साथ में? मल्टीपल स्क्रीन्स हमने देखी है, बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम उनमें ऑफ़र किए जाते हैं, आपको जो है चाबी से आगे पीछे घुमाने वाली चीज़ें दी जाती है, और कन्वीनियंस फीचर्स कई तरीके के जो है वहाँ पे ऐड किए जाते हैं। महिंद्रा की इन XEV और BE6 का एग्जांपल ही ले लीजिए, इनमें आपको जो है पैसेंजर स्क्रीन मिलती है, ARHUD जो है मिलती है, मल्टीपल स्टोरेज ऑप्शन जो है वो भी मिलते हैं, ऊपर की तरफ ये ग्लास मिलता है जो कि पैटर्न उसमें बना हुआ आता है, महिंद्रा का लोगो है जो कि ग्लो करता है, और उसके बाद में जो है ADAS जो है वो भी एडवांस है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो दी जाती है जो कि अदरवाइज आइस व्हीकल में डिमांड नहीं थी या अब तक जो है ऑफर इन जनरल नहीं की जा रही थी। ईवीज़ को थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट वहाँ पर दिया जाता है, उनको फीचर से जो है लादा जाता है। एक और चीज़ है कि ईवीज़ जो आमतौर पर नई है अच्छी है, वो सारी की सारी ईवीज़ जो है उनका प्लेटफॉर्म नया है, टेक्नोलॉजी नई है, उस वजह से भी वो थोड़ी महंगी है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, और वो ये कि ये सारी ईवीज़ जो है वो इन जनरल अगर आप नोटिस करोगे तो आप पाओगे कि क्रैश वर्दीनेस में बहुत अच्छे स्कोर करती है। उसका रीज़न है, स्पेशली मैं उन गाड़ियों की बात कर रहा हूँ जो कि नई है और जो कम्प्लीटली ईवी प्लेटफॉर्म के हिसाब से बनी है। उसका रीज़न ये है कि ईवीज़ में मूविंग पार्ट्स वगैरह कम होते हैं, यानी कि ऐसे कंपोनेंट जो चलते वक्त मूव हो रहे होते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल गाड़ी में इंजन है, उसमें जो है एक्सल्स वगैरह भी होंगे, गियरबॉक्स भी होगा, और हो सकता है बीच में सेंटर टनल भी हो अगर ऑल व्हील ड्राइव वगैरह है तो उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती है, और पैसेंजर के लिए भी जगह बनानी होती है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है एक चैसी को डिज़ाइन करना। ईवीज़ में पैसेंजर को भी स्पेस मिल जाता है, सीधे सीधे डिज़ाइंस बनते हैं, लोड पार्ट डिवाइड करना इजी होता है, बैटरी जो है वो भी बहुत सही तरीके से माउंट हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो एक कमाल सांचा बनाती है, कमाल जो है सिचुएशन बनाती है जहाँ पे उनको क्रैश वर्दीनेस के हिसाब से ईजीली बेहतर बनाया जा सकता है, सेफ बनाया जा सकता है। तो ईवी जो है वो इन जनरल स्पेशल हो गई बिकॉज उनमें फीचर्स भी ज़्यादा ऑफर किया गया, लोडेड है और वो सेफ भी है। नोटिस करना कभी ये बात, ये है भाई चार वीडियोस जो मैंने बनाई थी। अब जाके मुझे थोड़ा मामला समझ में आ रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया कि यार ठीक है ले तो सकते हैं। तो यार ये सही तो है वीडियोस, तो क्यों नहीं डाल देता अपने यूट्यूब चैनल पे इनको, ये वाली? हाँ यूट्यूब पे देख रहे हैं लोग ये वीडियो। वैसे तो मुझे अंदर लैपटॉप पे भी दिखा सकता था। एक फील जो है ना वो गाड़ी में बैठ के आती है, मतलब लोगों को बोलता भी हूँ कि गाड़ी जाके टेस्ट ड्राइव किया करो तुम लोग।